अभी राम प्रवेश कुछ बात बोले कुछ नहीं बोले समय अभाव के कारण। आज जो है ये पेपर अजीत डोभाल के पास जाएगा, इट्स रेडी। ये शनिवार रविवार दोनों दिन काम हुआ है, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। ये पेपर आज अजीत डोभाल के पास जाएगा। बहुत से लोग सवाल करेंगे कि अजीत डोभाल के पास क्यों जाएगा, कैबिनेट के पास जाना चाहिए। अब वहां दो मतभेद है, कैबिनेट रूल 12 ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन 12A या C है, वो कहता है कि कैबिनेट कमिटी इसका अप्रूव करे, लेकिन वही रूल ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो बिना कैबिनेट कमिटी के इसका अप्रूवल हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ा ज्यादा होशियार है, स्मार्ट भी ज्यादा है, सीना भी 56 का है, अपना तो 32 का है, तुम लोगों को पता नहीं। तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी वाले जो हैं, जिसका हेड है अजीत डोभाल, आज देश तो वही चला रहा है, आज देश वही चला रहा है। अजीत डोभाल ने ही पहले बोला आज से 10 दिन पहले, जब हम ये राम प्रवेश बता रहे थे ना कि हम लोग कलकत्ते में बैठे थे, कलकत्ते में ये फैसला हुआ, उसी समय अजीत डोभाल ने कहा डिफेंस सेक्रेटरी, प्रोडक्शन सेक्रेटरी और चेयरमैन को बुलाकर, तीनों को बुलाकर कहा कि आप हफ्ते भर के अंदर ये कॉर्पोरेटाइजेशन का पेपर तैयार करिए। सब हो गया, कल बन गया, कल भी काम हुआ मंत्रालय में, आप लोगों को नहीं मालूम, कल भी काम हुआ, आज सुबह ये चली जाएगी। इसमें दो बातें हो रही है, अब सरकार असेसमेंट कर रही है, एनएसए जब साइन करेगी तो प्रधानमंत्री के पास जाएगा, जब प्रधानमंत्री के पास जाएगा तो मिश्रा जी आएंगे, एक मिश्रा जी हैं, बहुत पुराने हैं, वो फाइल लेके जरा आस्ते बात कर ले भाई मेरे, ओ भाई साहब पुलिस बता थोड़े ठीक से, तो प्रधानमंत्री के पास फाइल पहुंचाएंगे मिश्रा जी, अजीत डोभाल भेज देंगे मिश्रा जी को, और सब तैयारी है, दस्तखत हो जाएगी। अब दस्तखत हो जाएगी तो क्या होगा, दस्तखत हो जाएगी तो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रक्रिया क्या है इसको समझो, सबसे पहले प्रक्रिया नो ओवर टाइम, ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया नो पीस वर्क, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन में ओवर टाइम और पीस वर्क दोनों नहीं है, फिर क्या है, फिर है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव कब, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट मतलब नॉट पीस वर्क, प्रॉफिट मतलब आपकी पूरी फैक्ट्री, अगर गन की करो कीमत है, एक मोटा मोटी समझा रहा हूं, गन की कीमत है 24 करोड़ और आपकी तनख्वाह बनती है 24 करोड़, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ओनली पे। अगर उससे ज्यादा आपने कमाया आपकी तनख्वाह से, उसको सब में बांट देंगे इंसेंटिव, 2%, 5%। ये सपना है जो मैं दिखा रहा हूं, ये सपना है इंसेंटिव वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मिंट आज 3 साल पहले 4 साल पहले सरकार बहादुर ने बंद किया मिंट, जहां नोट छपती है, वो 5-7 मिनट में 5 बंद हो गए। जाके नासिक में देखो, जो नासिक के रहने वाले पता चलेगा, बोले प्राइवेट वाला कोई लेगा मिंट क्या, नहीं लिया, लेगा भी नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, और क्यों लेगा, उसको देगा भी नहीं। उसके कुछ कर्मचारी डिफेंस में आए, आज इसे में सब जगह आए, लेकिन वो तो कहीं कहीं एडजस्ट हो गए, आप ये लाख सवा लाख कहां एडजस्ट हो गए,
हमको समझा दो। आपके साथ रेलवे के साथ कारखाने हैं, वो कहां एडजस्ट होंगे? यानी एडजस्ट अब नहीं होने वाला तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 5 साल तक आपको तनख्वाह दी